हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में हम लेकर के प्रेजेंट हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारियों की एक झटके में बड़ी पेंशन, कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। गाइस, हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे थंबनेल और हमारे टाइटल पर ना आएँ, क्योंकि जो है ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है इस तरह से बनाने का, जो एक्चुअल हमारे वीडियो देखेगा उसको एक्चुअल पता चलेगा क्या अपडेट है। कर्मचारियों की ओर से झटके के बड़ी पेंशन, कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। आप झटके में कौन सी खुशखबरी मिली है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन भोगी की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह करने की डिमांड को लेकर के पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारियों की एक झटके में बड़ी पेंशन, कर्मचारियों को मिली खुशखबरी। और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन के अंतर्गत वर्तमान समय में सभी पेंशन भोगियों के लिए 1,000 न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई और यह व्यवस्था वर्ष 2014 में सितंबर के महीने में जारी की गई थी। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी और पेंशन भोगियों की कितनी पेंशन को बढ़ाया गया, तो आइए जानते हैं अब इस बारे में और अधिक जानकारी। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बयान। जानकारी के लिए अनुसार पता चला है कि आप सभी कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति अपने मांगों को पूरा करने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा है और इस नए प्रस्ताव के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बयान। जानकारी के अनुसार पता चला है कि सभी कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति अपने मांगों को पूरा करने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा है। ये इस नए प्रस्ताव के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक सार्वजनिक सहकारी निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने की भी अनूठी बातें कही हैं और इसके अतिरिक्त ऐसे नागरिक जिनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन पेंशनर्स प्राप्त की जा रही है और उन सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपनी सेवा समर्पित करने के समर्थन में अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखेंगे, पेंशन फंड कम, पेंशन से परेशान पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारी की एक झटके में बड़ी पेंशन। इसके अतिरिक्त पेंशन कमांडर एनएससी के अध्यक्ष अशोक रावत सेवानिवृत्त के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में कम पेंशन के चलते कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन में पेंशनर्स अपने जीवन को बहुत ही निष्पक्ष और आर्थिक रूप से कठिनाइयों के साथ व्यतीत कर रहे हैं। अब बता दें कि देखा जाए तो परिवार और समाज के बीच में उसका सम्मान निरंतर घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भूख हड़ताल के लिए जो है समर्थन किया और एकमात्र पेंशन को जताने के लिए जो है नए प्रस्ताव रखे। एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दावा। इस समय पर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन के अंतर्गत सभी लाभार्थियों पेंशनर्स को हर महीने 7,500 पेंशन देने के डिमांड को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए एक महंगाई भत्ते में मिलने वाली राहत से सुनिश्चित करवाने के लिए सभी पेंशनर्स हड़ताल करने वाले हैं। साथ ही नई डिमांड के अनुसार उन्हें मुफ्त चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जानकारी में प्रस्तुत किया गया है कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसा जमा करने के पश्चात भी सभी लाभार्थियों को केवल 1,171 ही पेंशन मिलती है।
लाभ दिया जा रहा है उनको, जो कि उनके जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें 7,500 और महंगाई भत्ता मिले इसके पश्चात ही वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए वह जो है पेंशनर्स के जीवन साथी और पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा उपचार और 7,500 मासिक वेतन पेंशन देने की जो है डिमांड कर रहे हैं। पेंशन फंड ईपीएस में ऐसे जमा होता है फंड। इसके अतिरिक्त मुख्य नागरिकों के घोषणा में पाया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जाता है और नियुक्ति के पश्चात जो है नियुक्ति जैसे होती है 12% हिस्से में से 8% 33% हिस्सा जो है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन में उपलब्ध करवाया जाता है। और लेकिन सभी जनवरी में जो भी वो लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग सभी सरकारी कर्मचारियों की जो है पेंशन में 1.16% का योगदान किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।